लर्न विथ लर्नर्स के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन। आज अपन टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के पार्ट नंबर एपिसोड नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। आज इस एपिसोड में अपन सीखेंगे ट्रेंड एनालाइज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड एनालाइज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और कल वाले एपिसोड में मैंने आपको अच्छे सिंपली एकदम सिंपली लैंग्वेज में समझाया था कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है। और इस एपिसोड में मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कैंडलस्टिक होती है ये कैंडल। एक तो बायर्स की कैंडल होती है, एक सेलर्स की कैंडल होती है। जहाँ से बाय ग्रीन कैंडल ओपन देती है उसे ओपनिंग प्राइस कहते हैं, और जहाँ जाके क्लोजिंग देती है उसे क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। और रेड कैंडल सेलर्स की होती है, जहाँ रेड कैंडल ओपनिंग करता है उसे रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस कहते हैं, जो कि ऊपर वाला रहता है। और जहाँ रेड कैंडल क्लोज करती है प्राइस उसको क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक तो ट्रेंड एनालाइज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड एनालाइज। तो अपन कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन सीख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से प्राइस घूम के वापस डाउन साइड आया उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहाँ से प्राइस बाउंस बैक करा और अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है उसे सपोर्ट कहते हैं। तो जहाँ से मतलब जहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है उसे रेजिस्टेंस, और जहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है घूम के वापस ऊपर जा रहा है उसे सपोर्ट। एक बार वापस सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको। जहाँ से प्राइस जैसे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आ गया उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे आया प्राइस जैसे नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और नीचे से वापस घूम के ऊपर चला गया उसे कहते हैं अपन सपोर्ट लेवल। ट्रेंड एनालाइज क्या होता है, ट्रेंड को कैसे पहचाने, कैसे अप ट्रेंड को पहचाने अपन और कैसे अपन डाउन ट्रेंड को पहचानते हैं। और आपको सभी को पता होगा 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक तो अप ट्रेंड जिसमें प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपसाइड की साइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है, और डाउन ट्रेंड जिसमें अपन प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता है। और एक ट्रेंड होता है साइडवे ट्रेंड जिसमें अपन को ट्रेडिंग नहीं करनी होती है कभी भी। जो बिजनेस ट्रेडर होते हैं उन्हें तो खासकर इस टाइप की मार्केट में ट्रेडिंग करनी ही नहीं होती। इस साइडवे मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही प्राइस घूमता रहता है। इसके अगर इसको अपसाइड की साइड ब्रेक करता है तो अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू होता है, और डाउनसाइड की साइड सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड अपन को देखने को मिलता है। तो अप ट्रेंड में अपन एक स्ट्रेटजी बताते हैं। अप ट्रेंड का क्या होता है, इसमें अप ट्रेंड में होता है जैसे बाय प्राइस ऊपर गया तो बाय अपन को डिप पे करना है, डिप ढूंढना है, देन अपसाइड का ट्रेड लेना है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस नीचे आ रहा है तो अपन को टॉप ढूंढना है कि कहाँ पे प्राइस टॉप बना रहा है, देन वहीं से शॉर्ट कर। और डाउन ट्रेंड कैसे पहचाने, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे पहचाने। अप ट्रेंड पहचानने का और डाउन ट्रेंड पहचानने का एक सिंपल सा मेथड है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगी अपन, और इन दोनों ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेगी। मैं आपको चार्ट में ले जाकर दिखाता हूँ। तो ये खोल लिया चार्ट मैंने आपके लिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। 10 मिनट्स टाइम फ्रेम में अपन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ट्रेंड का मार्केट अब देखो आप, अब ट्रेंड की साइड मूव कर रहा है, अब ट्रेंड की साइड मूव कर रहा है मार्केट, तो अपन को डिप पे बाय करना है। डिप पे बाय कैसे करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके अपसाइड, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है अपसाइड, देन वापस ट्रेंड लाइन पे वापस मार्केट टच करा, देन यहीं पे मार्केट को अपन बाय करेंगे और अपसाइड का ट्रेड लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया बाय ऑन डिप सेल ऑन टॉप। और डाउन ट्रेंड में कैसे करेंगे, डाउन ट्रेंड मार्केट को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड लाइन की मदद से। अपन ने दो पॉइंट को मिलाते हुए अपन ने ट्रेंड लाइन
टेन लाइन खींच दी, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और किसी को भी अगर टेन लाइन खींचने में या किसी ट्रेंड लाइन के समझने में दिक्कत हो तो आई बटन पे एक वीडियो आएगी, उसे देखिए समझिए और फिर ये वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ट्रेंड लाइन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आए। और सबसे आसान मेथड मैंने बताया आपको, दो दो पॉइंट यहाँ पे लाइन चार्ट लगा के दो पॉइंट मिला दो, देन वापस कैंडल स्टिक, ये ट्रेंड लाइन हो गई, इससे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो आप, प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, यहाँ पे रिटेस्ट करके वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, सपोर्ट को तोड़ा, देन शॉर्ट। और बता देता हूँ मैं आपको, अब ट्रेंड मार्केट में, डाउन ट्रेंड मार्केट में फ्रेंड प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा अदरवाइज। एकदम सिंपली मेथड है, सिंपली मेथड में आपको बताऊंगा अप ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंड रीच सपोर्ट किया, यहाँ पे अपन ट्रेड लेंगे, देन देखो कितना ऊपर गया, देखो प्रॉफिट यहाँ पे अपन बुक करेंगे। और बता दूँ आपको, अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेंड लाइन यहाँ आया, सपोर्ट पे रीटेस्ट करा, देन वापस सपोर्ट, कैंडलस्टिक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक, सपोर्ट, देन मार्केट ओपन। जब तक मार्केट अप ट्रेंड में, सेल का ट्रेड लेना ही नहीं है मेरे भाई, सेल का ट्रेड लेना ही नहीं है। एक बात अच्छे से ध्यान रख लेना, अप ट्रेंड मार्केट में डिप पे बाय करना है और डाउन ट्रेंड मार्केट में टॉप पे सेल करना है। वापस बता देता हूँ आपको, अप ट्रेंड मार्केट में डिप पे बाय करना है और डाउन ट्रेंड मार्केट में टॉप पे शॉर्ट करना है। जितनी आप ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस करोगे, ट्रेंड लाइन से ही आप प्रॉफिट बना सकते हो एकदम सिंपली वे में, अगर आप बस सीरियस हो इस काम को लेके। अदरवाइज आप कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप बस परेशान ही होते रहोगे। ट्रेंड लाइन से ये देखो, ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया मार्केट, वापस सपोर्ट लिया, नेक्स्ट डे ओपन होके वापस सपोर्ट लिया, यहाँ पे अपन ने बाय करा, देन ऊपर। और आपको बताता हूँ, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस आपको बताया मैंने, रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्रॉफिट बुक। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा मेरे भाई, जितना ही आपको प्रॉफिट होगा, आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि जितना सिंपली वे में आप पैसा बना सकते हैं मार्केट में। मार्केट में कोई साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपली वे में पैसा बनता है मार्केट से, एकदम सिंपल तरीके से। सिंपल, जितना सिंपल रहोगे उतना ही पैसे बना पाओगे आप। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब देखो डाउन ट्रेंड मार्केट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया मार्केट, वापस रिटेस्ट करके वापस टॉप बनाया, शॉर्ट किया, प्रॉफिट बुक किया। वापस नेक्स्ट डे ओपन हुआ, 13 तारीख 14 तारीख को वापस ओपन हुआ, टॉप बनाया, रिटेस्ट करा, वापस 15 तारीख को वापस ओपन हुआ रेजिस्टेंस पे, देन वापस शॉर्ट किया, प्रॉफिट। 18 तारीख को वापस ओपन हुआ मार्केट, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ये देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट सब कुछ तोड़ दिया मार्केट, अपसाइड की साइड ट्रेंड लाइन बनाई अपन ने, रीटेस्ट करा ट्रेंड लाइन पे, प्रॉफिट बुक। तो भाई ऐसे एकदम सिंपली वे में जितना आप सीखोगे, जितना सिंपल रखोगे मार्केट को सीखना, उतना ही आपको जल्दी सीखने को आएगा और जितनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड एनालाइज, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइड वे ट्रेंड होता है। एक तो आपको वापस रिमाइंड करा दूँ, ये तो ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड, ये हो गया अपना अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन से प्रॉफिट, ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, अगर वीडियो ट्रेंड लाइन लगाने में आपको दिक्कत है तो जाके चैनल पे वीडियो देखो, एकदम सिंपली लैंग्वेज में वीडियो है, आपको
आई होप समझ में आ जाए। और ये है एक साइड वे मार्केट जिसमें अपन को कभी भी ट्रेंड नहीं करना होता है। होप अगर आपको ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइड वे मार्केट की टेक्निक समझ आई होगी। मेरे हिसाब से तो ये मेरे हिसाब से तो एकदम सिंपल टेक्निक है डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड मार्केट को समझने के लिए और ट्रेड देने के लिए। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। जब तक के लिए आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आए तो।